साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर आईएमपी के साहू से जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक से संबंधित सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें से गणित का एलसीएम समानुपात खत्म हो चुका है। अनुपात समानुपात से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन हम कंप्लीट जो करने वाले हैं आयु संबंध से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। और आज हमारा जो आयु संबंध है वो हमारा इस प्रकार से है कि आयु संबंध में अनुपात, ठीक है, हमारा टॉपिक है आयु संबंध में अनुपात, मतलब अनुपात से संबंधित आयु संबंध। ठीक है, आखिर तक देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, 6 क्वेश्चन डालूंगा आज और पढ़ेंगे। सभी एक जैसे है, थोड़ा सा अलग है, हटके है, ठीक है, बहुत मजेदार लगेगा आपको। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात थी, उनकी वर्तमान उम्र क्या होगा। ठीक है, दो व्यक्तियों का इस प्रकार से जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बनाएंगे कैसे, देखो स्वर्ग जब भी करेंगे कैसे करेंगे, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं, माना, देखो आप क्या करेंगे, माना उन दो व्यक्तियों का वर्तमान आयु, ध्यान से समझना, वर्तमान आयु हमको पता नहीं, हमको वही ज्ञात करना है। ठीक है, 5:7 दिया है तो क्या मान लेते हैं इसको, 5x व 7x है, एक व्यक्ति का ये हो गया, या बोल सकते हो 5:7x है। ठीक है, अब 18 वर्ष पहले बोल रहे हैं, जब भी पहले याद रखना, नोट पहले होगा तो ऋण माइनस करेंगे और बाद होगा, बाद में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। देखो 18 वर्ष पहले तो क्या करेंगे हम, उसमें इसमें माइनस करेंगे, यदि प्लस करेगा तो इसमें जोड़ देंगे, कैसे ध्यान दीजिए, 18 वर्ष पहले बोला है तो 5x- क्या हो जाएगा 18 और 7x-18 बराबर, मतलब 18 वर्ष पहले उसका अनुपात क्या हो जाता है, 8:13, क्या हो जाता है 8:13। ठीक है, अब इसको जब भाग देंगे तो देखो कैसा, सॉरी भाग में गुना करेंगे, 13 इसका गुना इनके साथ, 13 5 कितना हो जाएगा 65x, एक कितना हो जाएगा 18 3 54 4, हासिल आया 5 18 18 18 5 23 234, इनका गुणन के साथ करेंगे तो 8 7 56x हो जाएगा, माइनस 8 × 8 करेंगे 64 हो जाएगा, 6 आएगा 8 × 8 8 6 14 कितना आया 144। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है इसको पक्षांतर करते हैं, कैसे पक्षांतर, इसको इधर लेके आइए तो 65x- कितना हो जाएगा 56x, यदि मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो -144 से क्या हो जाएगा +234। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9x आएगा और इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो 144 और 234 है ना, 4 में से 4 गया 0, अभी कितना बचेगा 13 हो जाएगा, 13 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/9। तो यहां पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 10, हमको क्या पूछा उसका वर्तमान आयु, तो उसका वर्तमान आयु कितना लिखे हम 5x और 7x, इन्हीं x के मान को यहाँ पे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 से गुना करेंगे तो 5 × 10 कितना आ जाएगा 50, 7 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा 70, मतलब उसका वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 50 और 70। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, देखो
पहले वाले थे, अब थोड़ा सा हट के लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आपको ट्रिक याद होना चाहिए, पहले है तो घटाएंगे, बाद में है तो जोड़ेंगे, ठीक है। विक्की तथा सुमी की वर्तमान आयु या आयु का अनुपात दोनों पास 3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगी, है ना। तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना इसका वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 2x/3x, क्या हो जाएगा, 2:3x। अब क्या होता है, 12 वर्ष पहले उनका वर्तमान, उसका आयु जो है 11:15 होता है, तो कितना, 12 वर्ष पहले, इसलिए 12 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, देखो जब भी इस प्रकार से बोलते हैं पहले है, सॉरी 12 वर्ष बाद बोले, सॉरी 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, ठीक है, हाँ 12 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x+12 करेंगे, यहाँ पे 3x+12 करेंगे, जब इनको 12 करते हैं, 12 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या हो जाता है, 11:15 हो जाता है, ठीक है। 12 वर्ष बाद इसका अनुपात, इसका आयु कितना जाता है, 11:15, चलो गुना करते हैं, 15 × 2 = 30 एक्स हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 15 × 15 = 3 = 18 180 हो जाएगा, इसको गुणा कीजिए, 11 + 3 = 33 एक्स हो जाएगा, और ये कितना 12 है, तो 11 × 2 = 22 आंसर 1, 11 × 11 = 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 30 − 33 एक्स हो जाएगा, 30x − 33x, इनका इनका हम करेंगे, उसको उधर लेके जाते हैं तो 132 - कितना हो जाएगा, 180, यहाँ पे आ जाएगा -3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 में 180 बताते हैं तो -48 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो x बराबर जब भाग देंगे 48/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 16, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 16। तो हमको सुमी की वर्तमान आयु कितना है, 3x है, ठीक है। तो इन्हीं x को हम यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 × क्या करेंगे, 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, 48, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे, इसका भी हमने हल निकाल लिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हमारा है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, ठीक है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा हम देखते हैं। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रीना और मीना की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है, आप देखेंगे 3:1, ठीक है। तो वह माना इनका
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 3x/x हो जाएगा या 1x लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि 10 वर्ष बाद जो है रीना की आयु, ठीक है, मीना की आयु की दुगुनी, रीना की आयु, तो रीना की आयु कितना हो जाएगा 3x। 10 वर्ष बाद मतलब 3x+ कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, चलिए 3x+10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु का, इसका भी 10 वर्ष हो जाएगा, रीना की आयु का क्या है दोगुनी है 10 वर्ष बाद, मतलब यहां भी 3x+10 करेंगे, यहां भी x+10 करेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद बोला गया है। तो रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी, तो 3x+10 हो जाएगा, यहां गुना करेंगे 2x+20 हो जाएगा। चलिए 3x इधर इसको लेके आएंगे 2x हो जाएगा और 20 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो यहां घटाएंगे तो 1 से बचेगा, यहां घटाएंगे तो 10, 1 से बराबर कितना आया 10। हमको पूछा क्या है ध्यान दीजिए, हमको पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। तो देखो सबसे पहले वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ेगा, तो वर्तमान आयु में यहां देखो जहां x है वहां 10 गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 10 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, यहां करेंगे तो 10। 5 वर्ष पहले बोल रहे हैं, तो इसलिए 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, चले देखते हैं कितना हो जाएगा। 30 में 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। 10 में 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, 5 वर्ष पहले बोले, अब अनुपात पूछ रहे हैं, तो 5×5=25 और 5×1=5, तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 5:1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, किसका निकालना है सुरेश की उम्र, तो 6 वर्ष पहले ठीक है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 6:5, लिखते हैं 6:5, 6 वर्ष पहले की बात किया है 6:5 था, तो हमने लिखा है 6:5। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जबकि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र 11:10 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद इसलिए 4 वर्ष बाद कमल एवं सुरेश की उम्र 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद बोला 6x+ क्या करेंगे 4 करेंगे और 5x+ क्या करेंगे 4 करेंगे, 4 वर्ष बाद उसकी उम्र जो है क्या हो जाता है आपका 11:10 हो जाता है, 11/10 हो जाता है, 3 गुना करेंगे 60x हो जाएगा, 10×40 हो जाएगा, 11×55x हो जाएगा और 11×44, सॉरी ये गलत बना रहा है, एक मिनट, ऐसा नहीं बनेगा, हमने वर्तमान उम्र तो निकाला ही नहीं है, इसलिए वर्तमान उम्र देखो यहीं पर आपको ध्यान देना, यहीं पर ध्यान देना होगा, कैसे ध्यान देना होगा ध्यान से समझिए, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र कितना था 6:5, अब वर्तमान बोल रहा हूं मतलब 6 वर्ष बाद हो गया ना, 6 वर्ष पहले मतलब जैसे हमने 20 वर्ष का था तो 6 वर्ष पहले मतलब 14 वर्ष हो जाएगा, अब 6 वर्ष पहले था, अब वर्तमान में आपको मतलब 6 वर्ष बाद हो गया ना वो,
मतलब ये 6 वर्ष पहले के था, 6 वर्ष पूर्व, अब वर्तमान में आएगा मतलब उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में जो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्तमान में आएगा मतलब 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये वर्तमान में हो जाएगा 6x+6 अनुपात 5x+6 होगा। ये वर्तमान था 6 वर्ष पहले का, ये 6 वर्ष पूर्व का है, ये 6 ये क्या है आपके 6 वर्ष पूर्व का, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा इसमें हम 6 जोड़ देंगे, वर्तमान में आएंगे तो 6 जोड़, लेकिन अब क्या बोलते हैं 4 वर्ष बाद उसका उम्र 11:10 हो जाता है, 4 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाता है 11:10 हो जाता है 4 वर्ष बाद, तो इसमें हम क्या कर देंगे 6x+6+4 चार जोड़ देंगे, 6x+6+4 जोड़ देंगे, यहां भी 5x+6+4 जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद इसका उम्र 11:10 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 6x+10 हो जाएगा और 5x+10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं गुना करते हैं, गुना करेंगे कितना हो जाएगा देखो यहां पर बना देंगे, ठीक है, इनका गुणनखंड करेंगे तो 60x+100 हो जाएगा बराबर, इनका गुणनखंड के साथ करूंगा तो 55x+110 हो जाएगा। अब 60x में मैं 55x को घटा देता हूं इधर लाके और 110 में 100 को घटा देता हूं, ठीक है, तो यहां बचेगा 5x और यहां बचेगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, एक से बराबर कितना आ जाएगा 2, तो हमको क्या बोला सुरेश की वर्तमान उम्र, सॉरी सुरेश की वर्तमान उम्र, सुरेश की वर्तमान उम्र, तो सुरेश का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो एक से का मान कितना है 2, तो 5×10 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 16, तो सुरेश का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही आंसर देखेंगे, ठीक है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋत की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं माना देखो मानना पड़े माना 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या था 3:5 था, 3:5 था 100 वर्ष पहले, वर्तमान उम्र क्या है हर्ष की आयु क्या है 40 वर्ष और ऋषि कितना है 60 वर्ष वर्तमान, तो कितने वर्ष पहले 3:5 था, तो हमने क्या कहा एक्स उस पहले को निकालना है कि कितने वर्ष पहले बोल रहा, मतलब उसी को निकालना है कितने वर्ष पहले 3:5 था, ये हमको दिखाना है, तो 100 वर्ष पहले उनकी उम्र 3:5 था, तो अभी वर्तमान उम्र क्या है 40, किसका किसका है वो हर्ष की, तो 40-1 हो जाएगा, ऋष कितना है 60-1, 100 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या था 3:5 था, ठीक है 100 वर्ष पूर्व, गुना कीजिए 200 हो जाएगा -5x, इसको गुना कीजिए 180-3x, -5x इधर लेके आएंगे तो +3x हो जाएगा और 180-200 हो जाएगा, यहां घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, -- कैंसिल करेंगे तो x बराबर 20/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष, तो वह 10 वर्ष पहले क्या था 3:5 था, ठीक है x का मान कितना आया 10, देखो ऑप्शन नंबर हमारा सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट में देखेंगे किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है याद रखना 10 वर्ष पूर्व
उनकी उम्र अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार था तो संयोग की वर्तमान आयु, देखो यहां लिखते हैं 10 वर्ष पूर्व किरण संयोग और नम्रता, किरण संयोग और नम्रता की उम्र माना करके ना, माना 10 वर्ष पूर्व क्या है 2x/3x/4x, ये 10 वर्ष पूर्व की बात है। तो वर्तमान उम्र क्या होगा इनका, 10 वर्ष पूर्व था, अब 10 वर्ष जुड़ जाएगा उसमें तो वर्तमान आ जाएगा, तो 2x+10/3x+10/4x+10 हो जाएगा, और तीनों का योग कितना होता है 93 वर्ष होता है, तीनों का योग कितने वर्ष होता है 93 वर्ष होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3x+10 + 3x+10 + 4x+10 = 93 वर्ष, ये दस जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा, 2x, 3x, 5x हो जाएगा, 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा बराबर 93 हो जाएगा। उधर लेके जाऊंगा इसको तो 9x = 93 - 30 करूंगा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा 9x, तो x बराबर पक्षांतर करूंगा 63/9 हो जाएगा, तो x = 9/63, तो x का मान कितना आया 63। हमको पूछा क्या है संयोग का वर्तमान उम्र, तो संयोग का वर्तमान उम्र क्या है 4x + 10, तो 7 × 4 करेंगे यहाँ पे 28 + 10 कितना आ जाएगा 38 वर्ष, कितना आ जाएगा यहाँ पे 38 वर्ष आ जाएगा, कितना 38, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, सॉरी संयोग का ये नहीं है ना, किरण संयोग और नम्रता, संयोग क्या रहेगा आपका ये बीच का ना ये वाला रहेगा, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे एक से कमान रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 वर्ष, कितना हो जाएगा 31 वर्ष किरण संयोग और नम्रता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा, ठीक है ये हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट में इसी का नेक्स्ट वीडियो डालेंगे अनुपात से संबंधित, इंतजार कीजिएगा, और यदि आपको कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने उसका लिंक दे रखा है, उसका पे करना पड़ेगा, वो इतना बेहतरीन बुक है कि ये समझिए कि 90% क्वेश्चन अभी तक जापान में वहीं से लिया गया है, और कुछ फ्री पीडीएफ या फ्री वीडियो मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा, छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट कभी भी नहीं कर सकते, आप तैयारी में लगे रहिए, आज इतना ही, थैंक यू।